और 26 जनवरी ये दोनों ऐसे खास दिन हैं जिसका देश भर में इंतजार किया जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व हैं। आइए हम सीधे जनता से जुड़ते और जानेंगे कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस इतने हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है। तो डेविड जी बताएं कि अभी जो है गणतंत्र दिवस हम मनाएंगे, क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है उसको हमने 1950 में लागू किया था और इसको ये संविधान को बनाने के लिए जो हमारे नेता थे अंबेडकर साहब ने इस पर बहुत रिसर्च करा, बहुत मेहनत से संविधान को बनाया और एक नंबर का संविधान बनाया जिसको हम जिस पे हमें अमल करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, इसलिए हम गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। दिवस क्यों मनाया जाता है? ये इस दिन हमारा ये संविधान लागू हुआ था, इसके उपलक्ष्य संविधान लागू हुआ था। वही हम देखें तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं? तिरंगे में तीन कलर होते हैं, ऊपर ही होता है केसरिया और बीच में होता है सफेद और सबसे नीचे होता है हरा। आप इन रंगों के महत्व बता सकते हैं? केसरिया रंग अपने शौर्य का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली जो सब मिल के लेते हैं, ये तीनों रंग है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस फॉर दिस कंटेंट ऑफ जो बी.आर. अंबेडकर जी जो थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था 26 जनवरी 1950 को और 2 साल 11 दिन समथिंग लगे थे उन्हें ये संविधान लागू करने में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे भारत का अपने देश का खुद का अलग से संविधान लागू हुआ था। इस दिन तिरंगे में जो रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं और क्या महत्व होता है? केसरिया, हरा और सफ़ेद। केसरिया होता है सबसे ऊपरी वाले भाग में और बीच में होता है सफ़ेद जो कि शांति का प्रतीक होता है और हरा होता है जो एकता का प्रतीक होता है हमारी और इसमें 24 कमानियाँ होती हैं जो हमारे 24 प्रांत जो जितने भी हमारे प्रांतों की सभ्यता को दर्शाती है। सर गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाया जाता है। संविधान लागू हुआ था। अच्छा आप ये बता सकते हैं कि झंडा वंदन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये थी हमारी एक पहल कि हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके कि आखिर अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इसी तरह दिव्या के साथ देखते रहिए SR Time INA News। नमस्कार।